बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज मैट्रिक परीक्षा के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। उसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 68,353 थी, जिसमें कि कुल 19,915 विद्यार्थी अर्थात 29.14 परीक्षा में वार्षिक परीक्षा की भांति कई प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं की गई थी, जीरो टॉलरेंस के साथ इस पूरी परीक्षा व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। बिहार परीक्षा बोर्ड की ओर से जो बच्चे असफल हो गए थे उनके लिए विशेष परीक्षाएं ली गई थी। विशेष परीक्षा के माध्यम से जो बच्चे पास हुए हैं उनको आज बिहार परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बधाइयां दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आज मैट्रिक परीक्षा के कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 के परीक्षा फल की घोषणा की गई। आज जारी इस परीक्षा फल के अनुसार इस परीक्षा में कुल 71,632 परीक्षार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें कंपार्टमेंटल परीक्षा में वैसे विद्यार्थी जो एक या दो विषय में अनुत्तीर्ण हुए थे उसमें भाग लेने वाले परीक्षार्थियों की संख्या 68,353 थी, जिसमें कि कुल 19,915 विद्यार्थी अर्थात 29.14% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसके अलावा विशेष परीक्षा में वैसे कुल 3,279 विद्यार्थी अपीयर हुए थे, जिनकी किसी भी कारण से वार्षिक मैट्रिक परीक्षा जो नहीं दे पाए थे किंतु रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया था, उन 3,279 विद्यार्थियों में से 1,954 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 59.59% है। इस प्रकार इन दोनों परीक्षाओं में अलग अलग मिलाकर उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आज इस परीक्षा फल के साथ ही घोषणा की गई। इस परीक्षा में वार्षिक परीक्षा की भांति कई प्रकार की अन्य व्यवस्थाएं की गई थी, जीरो टॉलरेंस के साथ इस पूरी परीक्षा व्यवस्था को आयोजित किया गया था। सभी विषयों के लिए 10 क्वेश्चन सेट्स तैयार किए गए थे, सभी विद्यार्थियों के लिए इंडिविजुअल उनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स के साथ में कॉपियों और ओएमआर शीट्स का मुद्रण कराया गया था और सभी कॉपियों पर बारकोडिंग और लिथोकोड इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। इस प्रकार आज जारी इस मैट्रिक के परीक्षा फल जो कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का परीक्षा फल जारी किया गया है, इसके साथ ही बिहार बोर्ड ने इस वर्ष 2023 का कंप्लीट एग्जामिनेशन साइकिल अर्थात परीक्षा चक्र कंप्लीट कर लिया है, जो पूरे देश में सबसे पहले बिहार बोर्ड ने कंप्लीट किया है। अभी तक देश के किसी भी अन्य बोर्ड का कंपार्टमेंटल परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। इस प्रकार आज जारी किए गए परीक्षा फल के साथ साथ वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, वार्षिक मैट्रिक परीक्षा, कंपार्टमेंटल इंटरमीडिएट परीक्षा और कंपार्टमेंटल मैट्रिक परीक्षाओं का एक पूर्ण चक्र पूरा करके इस वार्षिक कार्य को आज संपूर्ण किया गया, जो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि इस ससमय आज 3 जून 2023 को यह परीक्षा फल घोषित किए जाने के फलस्वरूप ऐसे हजारों विद्यार्थियों का जो भी आज इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उनका एक वर्ष बर्बाद नहीं होगा और ससमय वे किसी भी एग्जामिनेशन में भी भाग ले सकेंगे और इसके साथ साथ किसी भी इंस्टीट्यूशंस में भी हायर एजुकेशन हेतु वे उसमें एडमिशन्स ले सकेंगे। और ऐसी परिस्थिति में जबकि अभी भी कई बोर्डों का परीक्षा फल मुख्य परीक्षा का भी अभी परिणाम संभवतः घोषित होना बाकी है, ऐसे समय में कंपार्टमेंटल परीक्षा का भी परीक्षा फल बोर्ड ने घोषित करके एक पुनः कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों, सभी पुलिस अधीक्षकों के साथ साथ जिला शिक्षा पदाधिकारियों और बिहार बोर्ड के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। और जिन परीक्षार्थियों ने भी आज परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल की है उन सबों को बधाई देना चाहता हूँ। और वैसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश यदि आज की परीक्षा में उत्तीर्णता हासिल नहीं कर पाए उन सबों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप
के लिए बिहार बोर्ड और भी अन्य अवसर प्रदान करेगा। आपको अन्य अवसर दिए जाएंगे अपनी कमियों को दूर करने के लिए, अपने रिजल्ट को बेहतर करने के लिए, और हमें विश्वास है कि आप और भी अधिक यदि बेहतर प्रयास के साथ मेहनत करेंगे तो अगली बार सफलता अवश्य आपके कदम चूमेगी। एक बार पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आपने देखा कि बिहार परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने क्या कुछ कहा है। आपको बता दे कि मैट्रिक विशेष परीक्षा में शेष परीक्षा ली गई थी, उसमें 3269 बच्चे शामिल हुए थे, जिसमें से 1554 बच्चे पास हुए। ठीक उसी तरह मैट्रिक में जो बच्चे फेल हो गए थे, असफल हो गए थे, उसमें से बच्चे जो भाग लिए थे, बच्चों की संख्याएं थी 68,353। उसमें से जो बच्चे उत्कीर्ण हुए हैं, जो बच्चे पास हुए हैं, 19,900 बच्चे पास हुए हैं। और आनंद किशोर ने उन तमाम बच्चों को अगले भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए बधाइयां दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने तमाम चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से देखा। यदि आपने हमारी YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर करें। कैमरामैन जैकी के साथ सेफ की रिपोर्ट, पटना।